यहाँ पे हम देखते हैं कि एक गाड़ी जा रही होती है और एक जानवर इंसान एक क्रिएचर जो होता है वो आ जाता है, वो उसे दूर से देखता रहता है। तभी घुड़सवार जाते रहते हैं, वो उसके पीछे भी जाता रहता है। ये एक क्रिएचर है जो गांव के चारों ओर नाचता रहता है और लोगों को खाने का कार्य करता है। लेकिन ये क्रिएचर से कैसी लड़ाई है, आइए देखते हैं। तभी एक क्रिएचर दिखाई देता है कि वो गाड़ी का पीछा करते हुए सिंगल रहता है। तभी उसके धुएं के आकार में एक क्रिएचर जो धुएं में फंसा रहता है, लोग इससे अनजान रहते हैं। तभी कौवे घर के किनारे उड़ते रहते हैं। तभी क्रिएचर घर के ऊपर दिखाई देता है। यह क्रिएचर बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है जो पूरे गांव पर कब्जा करना चाहता है और पूरे गांव पर कब्जा करके उस पर अपना सबको खा जाना चाहता है। तभी क्रिएचर उस घुड़सवार का पीछा करने लग जाते हैं जो बेहद ही खतरनाक रहते हैं। और तभी वो आदमी दौड़ता दौड़ता उस गाड़ी पर चढ़ने का प्रयास करता है लेकिन पीछे से खाता है। तभी वो गाड़ी पर चढ़ जाता है, बच जाता है। लेकिन वो क्रिएचर उससे इतने ज़्यादा मात्रा में होते हैं कि उसका पीछा करना नहीं छोड़ते हैं। और तभी हमें कहानी के दूसरे ओर दिखाया जाता है कि टॉम अपने घर में छुपा हुआ होता है। तभी वो क्रिएचर ढेर सारी मात्रा में उसका पीछा करने उसे खाने की ओर बढ़ते रहते हैं, जिससे बचने के लिए टॉम प्रयास करता रहता है। तभी वो क्रिएचर उसके कान खाने का प्रयास करता है। तभी वो एक फायरिंग कर देता है जिससे क्रिएचर घर के बाहर आ जाता है। तब से हमें कहानी के दूसरे पहलुओं को दिखाया जाता है कि क्रिएचर ने पूरे घर पर अपना कब्जा कर लिया है और जैकी जैकी बचने का प्रयास करता रहता है। तभी एक बूढ़े आदमी को हमें दिखाया जाता है जिसकी ये आँख खराब रहती है और एक पादरी को हमें दिखाया जाता रहा जो मंत्र पढ़ता रहता है बचने के लिए। लेकिन यहाँ पर सभी लोग एक इस प्रकार का रस पी लेते हैं जो उस क्रिएचर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। इस आदमी को छोड़कर बाकी जितने हैं सब एक ऐसे क्रिएचर में बन जाएंगे जो बेहद ही खतरनाक रहते हैं। ये देखिए, तभी एक बेहद ही खतरनाक में कन्वर्ट हो जाते हैं जिसे देखकर बेहद ही खतरनाक ये आदमी बिल्कुल डर जाता है और क्रिएचर माता इतनी तादाद में बढ़ जाती है जो जितने सब मिलकर इस आदमी पर हमला बोल देते हैं। तभी ये आदमी दिखाई देता है कि ये आदमी बचने के लिए तभी ये आदमी उसके पीछे का लग फायरिंग शुरू कर देता है। तभी ये आदमी उसके ऊपर कूद जाता है जो घुड़सवार एक घोड़े की तरह दिखाई देता है। तभी ये आदमी गाड़ी देखता है, तभी उसके पीछे एक गाड़ी पर हमला क्रिएचर हमला कर देता है। तभी ये क्रिएचर दौड़ कर आते रहते हैं। तभी ये अंग्रेज जो है फायरिंग शुरू कर देता है जिससे ये क्रिएचर धूल में तब्दील हो जाते हैं। यहाँ हमें यह पता चलता है कि ये क्रिएचर बेहद ही मायावी और ख़तरनाक है। ये एक बेहद ही खूबसूरत लड़की जो प्रिंसेस होती है वो पानी में गिर जाती है। तभी ये क्रिएचर उसको उठाकर एक साफ घने जंगलों के बीच में रख देता है जहाँ चारों तरफ आग जलती रहती है। दरअसल हमें पता चलता है कि इसे मार देने से क्रिएचर पूरी तरह से अमर हो जाएगा। तभी ये क्रिएचर सबको मारने का प्रयास शुरू हो जाता है और ये पादरी सबकी जान बचाने के लिए लगा रहता है। क्या ये जान सबकी बचा पाएगा। तभी देखते हैं कि हम क्रिएचर पूरे गाँव पर हमला बोल देता है, पूरे गांव के लोगों पर अपना कब्जा कर लेता है, हिप्नोटाइज कर देता है। तभी हम कहानी के दूसरे पहलू को देखते हैं कि यहाँ एक बुजुर्ग कुछ नक्शा पढ़ता रहता है। तभी यह बताता है कि पूरे गांव पर क्रिएचर ने हमला बोल दिया है और टॉम बहुत ही ज़्यादा खतरे में है। तभी हमें दिखाया जाता है कि ये एक भूतों की पूरी टोली वहाँ पर आ जाती है जो एक हड्डी नुमा वहाँ के राजा जो भूतों का राजा होता है उसको लेकर आती है जिसकी आंखें कुछ इस तरह से खुलती हैं जिसमें छोटे 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 मधुमक्खियों की तरह दिखाई देते हैं और दूसरे भूत उसकी आँख को खोलते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है और इस कहानी का एंड हो जाता है और पूरे गांव